कोरोना महामारी के बीच आखिरकार भिवानी बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित किया, जिसमें प्रदेश के अनेकों लड़कों लड़कियों ने टॉप करके अपने स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन किया। ऐसा ही पानीपत के गांव आसन कला में एक हाथ से और एक पैर से दिव्यांग विकास आने जाने भारी गरीबी के चलते न सिर्फ स्कूल में टॉप किया बल्कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर लेकर अपने गांव के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। विकास ने बताया उन्होंने टीचरों और अपने खुद की कड़ी मेहनत के चलते 500 में से 468 नंबर लेकर 93.3% अंक हासिल कर यह कारनामा रचा है। मेरे 500 में से 467 नंबर आए हैं, 93.4%। मैंने स्कूल में फर्स्ट आया हूँ और मैंने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा है कि कई सालों से लड़कियाँ फर्स्ट आती हैं, इस बार मैं एक लड़का आया हूँ। घर की हमारी बहुत ख़राब स्थिति रही है, घर में हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहते और हमारी मम्मी हमारा गुजारा करती है, हमें पढ़ाती है, मेरी बहन ने मुझे पढ़ाया है। यहाँ के प्रिंसिपल सर है ना, उन्होंने इसको पढ़ने के लिए बढ़ावा दिया, उन्होंने इसको समझाया कि बेटा कितने मार्क्स लाएगा, तो ये तो चुप था, तो सर ये इसको कहते हैं कि 95% नंबर लाने हैं। और मैं स्कूल में इसलिए गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं है सर, मेरे पास तो जो 750 रुपये फीस है ना बोर्ड की फ़ीस, वो मेरे पास नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो सर कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप बच्चे को समझाने लगे कि माँ को तंग मत करना, हमको कहना कोई चप्पल जूते की ज़रूरत हो, किसी कॉपी की ज़रूरत हो, किसी पेन की ज़रूरत हो या किताब की, तो हमको कहना, माँ को मत कहना। सर मेरा नाम मनी है और मेरे भाई विकास ने 10th में टॉप किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं चाहती भी यही थी, मेरी 82% थे खुद के और मैं इसे हमेशा बोलती थी कि मेरे 82% है, अगर तेरे इतने नहीं आए तो तुझे पढ़ाएंगे नहीं, मैं मजाक में बोलती थी और मुझे इसमें कुछ ना कुछ खूबी दिखाई देती थी कि ये अच्छे से कर पाएगा और मैं बहुत खुश हूँ इसके इतने परसेंट मार्क्स आए हैं उसकी वजह से। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।